हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए पिगमेंटेशन के लिए एक आपको क्रीम बताने वाली हूँ। वो बहुत ही अच्छी क्रीम है, बस उसका असर धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर आप लोग यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सब्र रखना पड़ेगा और उसे यूज करना होगा, हो सकता है आप यूज करें। तो हम शुरू करने से पहले और आगे बताने से पहले सब्सक्राइब मेरे चैनल पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताना शुरू करती हूँ इस क्रीम के बारे में। तो ये क्रीम है हिमालय की, ये मैं यूज करती हूँ खुद, हिमालय की ब्लेमिनर एंटी ब्लेमिश क्रीम और ये 30 ml में ही आती है और ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसे मैंने खुद यूज करके देखा है। मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ, 2 महीने से और ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो मैं तो इसे जब तक मेरी पिगमेंटेशन पूरी जाती नहीं तब तक मैं इसे यूज करूंगी। और मैंने इससे पहले मैं किसी क्रीम पे विश्वास करती नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्टिंग जब मुझे सुइयां होना शुरू हुई थी मैंने यूज की थी कई सारी क्रीम्स, तो उन क्रीम्स का असर ये हुआ था मेरी स्किन पे कि जैसे हम उन क्रीम्स को छोड़ देते हैं लगाना, जब लगाते रहो ठीक है, लेकिन जब लगाना छोड़ दो तो वो बहुत ही मतलब और डार्क हो जाती है हमारी छाइयां ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि यार शायद ये छोड़ने से हो गया या पता नहीं क्यों हो गई, लेकिन वो एक्चुअली उन क्रीम्स का रिएक्शन होता है कि हम जब तक लगाते रहे तब ठीक है, लेकिन जब लगाना छोड़ दो तो वो छाइयों को डार्क कर देता है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने वो लगाना छोड़ दी सारी क्रीम्स। उसके बाद मैंने काफी टाइम तक तो कुछ नहीं लगाया, फिर उसके बाद मुझे इस क्रीम के बारे में पता चला हिमालय की और फिर मैंने इसे यूज करके देखा और म्यूनिक में से कई बार मुझे बीच में छूट भी जाती है और लेकिन तब भी इसका कोई रिएक्शन नहीं पड़ता है फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर ना ही रेडनेस आती है ना ही ये आपकी छाइयों को और काला करता है, इनफैक्ट कम ही करता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग इस क्रीम को यूज कर जरूर करके देखिए, ये बहुत अच्छी क्रीम है और बहुत ही स्किन में एकदम ऑब्जर्व होते रहती है। देखो मैंने अभी हाथ पे ये इस तरह से ली है, मैं इसे आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। आप अच्छे से इसको इस तरह से अपने हाथ पे, जब तक ये अपनी आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक आप इसको अच्छे से, और जब अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए ये आपकी स्किन में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ गई, ऑयल बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने कोई क्रीम लगाई है। बस जब आप इसको लगाओ तो आप कोई और क्रीम मत लगाना, कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम मत लगाइएगा और इसके ऊपर आप आई थिंक फेस पाउडर लगा ही सकते हो। मैंने तो लगा के देखा है, इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ मुझे, कोई पिंपल नहीं हुए, कोई रेडनेस नहीं हुई, कोई एलर्जी नहीं हुई मुझे इससे, इनफैक्ट बहुत अच्छी क्रीम है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप इसे रोजाना यूज करके देखें और मेरे साथ इसके रिजल्ट शेयर जरूर करें कि आपको इससे कितना फर्क पड़ा है, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे हिट जरूर कर दीजिएगा।